दिल्ली में यूपी की सरकार पर मंथन जारी। 20 या 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं शपथ, 57 मंत्री हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस को चुनावों में करना पड़ा हार का सामना, कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक, हार की वजहों पर की गई चर्चा। पांच राज्यों में हार पर बोले शशि थरूर, कहा कांग्रेस सबसे विश्वसनीय विपक्षी पार्टी है, इसलिए पार्टी ने नई जान फूंकना है जरूरी। सीएम पद की शपथ से पहले सांसद पद से इस्तीफा देंगे भगवंत, दिल्ली के लिए होंगे रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में बंपर जीत के बाद दिल्ली दौरे पर मौजूद योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक 20 से 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। वहीं योगी के नए मंत्रिमंडल में करीब 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं, इसमें 22-24 कैबिनेट मंत्री होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं 7 से 9 मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया है। बता दें कि यूपी में हुई बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये पहली मुलाकात है। वहीं करीब 2.25 घंटे तक पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच मीटिंग चली। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई है, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिला ऐतिहासिक जीत की बधाई दें और बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी करारी हार का सिलसिला कायम रखने पर मंथन करने बैठी कांग्रेस कार्य समिति नतीजे पर ही पहुंची है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने परिवार को पार्टी से अलग करने की पेशकश का इमोशनल कार्ड खेला, तो कार्य समिति के उन नेताओं के दांव भी फीके पड़ गए जो कांग्रेस मैनेजमेंट को समय समय पर कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। वहीं समिति में शामिल कई नेताओं ने तो राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की मांग जोर शोर से उठा दी। इससे पहले सोनिया ने कहा कि अगर कार्य समिति को लगता है कि उनके परिवार के हटने से कांग्रेस मजबूत हो सकती है तो वह अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक सोनिया के इतना कहते ही बैठक में शामिल नेता सन्न रह गए और सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने ना ना के अंदाज में प्रस्ताव खारिज कर दिया। आजाद समेत कार्य समिति के सभी सदस्यों ने सोनिया से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाते रहने का आग्रह किया। ध्यान रहे कि गुलाम नबी आजाद उस ग्रुप 23 के अग्रिम नेताओं में से हैं जिन्हें अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को ही चिट्ठी लिखकर कांग्रेस मैनेजमेंट में बदलाव की मांग की थी। उसके बाद से ये ग्रुप गांधी परिवार के समर्थक समूह के निशाने पर रहता है। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेसी ग्रुप 23 नेताओं को काफी भला बुरा कह चुके हैं। इस ग्रुप पर बीजेपी का सहयोगी होने तक का आरोप मढ़ा जा चुका है। बहरहाल CWC की मीटिंग से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार जैसे नेताओं के साथ साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पद देने की मांग की है। हालांकि मीटिंग में तय हुआ कि संसद का बजट सत्र खत्म होने के बाद चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसका प्रस्ताव गहलोत ने ही दिया है। वहीं शिविर से पहले एक बार फिर से TWG बैठक की जाएगी। इसके बाद सितंबर महीने में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि देश में कांग्रेस आज भी सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल है, इसलिए इसमें सुधार और नई जान फूंकना जरूरी है। उन्होंने देश में विभिन्न दलों के विधायकों की संख्या वाला एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया है कि यही वजह है कि कांग्रेस सबसे विश्वसनीय राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी बनी हुई है, इसलिए सुधार और नई जान फूंकना जरूरी है।
थरूर ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब हालिया विधानसभा चुनावों में हार को लेकर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चर्चा चल रही थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के करारी शिकस्त के बाद बृहस्पतिवार को कहा था कि अब समय आ गया है कि आइडिया ऑफ इंडिया पर फिर से जोर दिया जाए और पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व में इस तरह से सुधार किए जाए जो लोगों को प्रेरित कर सके। लोकसभा सदस्य थरूर ने ट्वीट किया कि जो लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं वो इन विधानसभा चुनावों के नतीजों से आहत हैं। अब समय आ गया है कि भारत के विचार पर फिर से जोर दिया जाए जिसको लेकर कांग्रेस खड़ी रहती है। संगठनात्मक नेतृत्व में इस तरह के बदलाव किए जाएं जो इन विचारों की लौ फिर से जल सके और लोगों को प्रेरित कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि एक चीज स्पष्ट है कि अगर हमें सफल होना है तो बदलाव अपरिहार्य है। वहीं पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वो आज सांसद पद से इस्तीफा देंगे। भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। तो भगवंत मान पूरी तरह से दिल्ली रवाना हो चुके हैं और जल्द ही वो सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लाकर उत्तर प्रदेश में खपत की जाने वाली गांजा तस्करी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर आगरा पुलिस ने अपने मुखबिर की सूचना पर झारखंड से आ रही गाड़ी को पकड़कर उसमें से 28 किलो गांजा, अर्टिका गाड़ी और 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप बरामद किए हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से एक गाड़ी जिसमें 10 क्विंटल गांजा रखा हुआ है, ट्रक झारखंड के नंबर का, और उसके साथ एक अर्टिगा गाड़ी में वो सप्लाई करने वाले जो अभियुक्त हैं वो यूपी में अपना गांजा लेके आ रहे हैं। बाकी जब इस टीम पे काम किया गया तो पता चला कि इनकी जो गाड़ी थी वो वहां पे एमपी में इंदौर पुलिस स्टेशन है शिवपुरी जनपद का, वहां पर इनकी गाड़ी पकड़ी गई, लेकिन ये लोग वहां से बचकर निकलने भागने में सफल हो गए। आगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल उस सूचना पर इन लोगों को हरिपर्वत थाना क्षेत्र में पकड़ा है। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनका नाम है रितेश कुमार प्रधान उर्फ राजा, ये उड़ीसा के कोरापुट जनपद का रहने वाला है। लव हंतल, ये भी उड़ीसा कोरापुट का रहने वाला है। रमेश कुमार यादव, ये जनपद बलिया का रहने वाला है। और राजेश यादव, ये भी जनपद बलिया का रहने वाला है। इन लोगों की जो अर्टिगा गाड़ी पकड़ी गई है उस अर्टिगा गाड़ी में 28 किलो गांजा बरामद हुआ है, 6500 रुपये नकदी बरामद हुए हैं, 5 इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक टेबलेट बरामद हुआ है और एक इनके पास में इनकी डायरी बरामद हुई है जिसमें पूरा ये अपना जो काम करते तस्करी का उसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई है। यूपी में बीजेपी सरकार के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अभी शपथ भी नहीं ली है कि उनकी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान छोड़ दिया है। बता दें कि पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश सानू पर 25,000 का नाम घोषित था जो काफी लंबे समय से वांछित चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस और इनामी गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। ऐसे में देखा जाए तो पुलिस की अलर्टनेस साफ तौर पर
देखी जा सकती है। आज ये थाना हयात नगर क्षेत्र में नवाब खेल करके जगह है ये, जहाँ पे आज हयात नगर पुलिस से और एक बदमाश है जिससे मुठभेड़ हुई, जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। उसका नाम सानू है, सनाब खालिद, रुकंदी सराय का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। ये गोवध के मामले में वांछित चल रहा था, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास में ये मुठभेड़ हुई है। गिरफ्तार करके उसको जो है अभी, क्योंकि वो घायल था, अस्पताल भेजा गया है। उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में गार्डन में बच्चे को अगवा कर छुरी मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने पिता के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि आस मोहम्मद ने पत्नी से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। आस मोहम्मद के दो बच्चे हैं। आस मोहम्मद का अपने ही भाई से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण उसने भाई नूर ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी थी। गुरुवार रात को करीब 9 बजे बच्चा घर से गायब हो गया था, जिसके बाद करीब 12 बजे बच्चा घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की जब सख्ती से जांच की गई तो आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी पिता मकान में ही हिस्सा लेने के लिए अपने भाई को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। और यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून,
उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कोटद्वार के गाड़ी घाट के झूला पुल के पास दो पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। इस दौरान मारपीट भी हुई जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 1 की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कोटद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर खूनी संघर्ष देखने के लिए मिला दो पक्षों में, और इस खूनी संघर्ष में 1 की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विश्व की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के 17 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आगरा पहुंचा, जहां पर ताजमहल और लाल किला देखने के बाद अमर होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया से आए प्रतिनिधि मंडल का रंगारंग कार्यक्रम से स्वागत किया गया। विदेशों से आए मेहमानों के लिए आगरा निगम प्रशासन की तरफ से स्वच्छता सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखी गई थी। तो आगरा का किला और ताजमहल का दीदार यहाँ पर विदेशी पर्यटक करते हुए नजर आए, और देखिए भव्य स्वागत रंगारंग कार्यक्रम से उनका किया गया है। 17 लोग ये बताए जा रहे हैं एक प्रतिनिधि मंडल में, और फूलों से इनका स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रस्तुति दी गई है, और फिर उसके बाद जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका दीदार यहाँ पर करवाया गया है। आगरा ऐतिहासिक नगरी है, विश्व के सभी टूरिस्ट भी यहाँ ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आरटीविया का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ के हैं, वो ताजमहल को देखने के लिए आज आए हैं। अमरनाथ का यहाँ पर उसको वेलकम किया है आगरा की ओर से, और ताजमहल और उसके बाद किला का उनका भ्रमण का कार्यक्रम है, देखने के लिए आए हैं। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओ बिरला जी, मैं जब भी प्रतिनिधिमंडल इंडिया में आया तो एयरपोर्ट दिल्ली पर उनका वेलकम किया था, तो आगरा में मैंने इनका वेलकम किया है। और आगरा जिस प्रकार से बदलता हुआ शहर है, खूबसूरत शहर है, और आगरा में जिस प्रकार से टूरिस्ट को देखते हुए पिछले 5 वर्ष के अंदर अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, तो यही कारण है कि इंडिया के लोग हों चाहे वो इंडिया के बाहर के लोग हों। कन्नौज के तालग्राम कस्बा में पुलिस की टीम की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। एंटी रोमियो टीम ने महिला सुरक्षा के तहत लोगों को 1090-1098 समेत महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी है। महिलाओं और छात्राओं को ऑपरेशन कवच के बारे में भी जानकारी दी गई। कुशीनगर में हर साल की तरह इस साल भी होली के पहले मारवाड़ी समाज की तरफ से फागुन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें समाज के लोगों की तरफ से निशान यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल होते हैं। रविवार को भी मारवाड़ी समाज के लोग खाटू श्याम मंदिर के लिए निकाली गई निशान यात्रा में झंडा लेकर चल रहे थे, तभी पडनौरा नगर के रामकौला रोड पर बिजली के तार से झंडा छू जाने पर करंट झंडे में उतर आया, जिसके चलते यात्रा में शामिल कई लोग घायल हो गए। इस दौरान भगदड़ मच गई। आनंद फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है। बलरामपुर के उतरौला में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 1 आरोपी को गोली भी लगी है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया और घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बारह मार्च को थाना क्षेत्र उतरौला में एक गौकशी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना उतरौला पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी उतरौला व प्रभारी निरीक्षक उतरौला के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और लगातार पुलिस द्वारा घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज 13 तारीख को मुखबिर द्वारा सटीक सूचना दी गई कि घटना में संलिप्त अभियुक्तगण भागने की फिराक में है, जिस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अपने साथ पुलिस बल के साथ
मौके पर पहुंचे और अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें अभियुक्त उनमें से एक अभियुक्त जीशान द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया, जिसके जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी अभियुक्त गणों पर फायर किया, जिसमें जीशान नाम के एक अभियुक्त को बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त जीशान को तत्काल सीएचसी उतरौला में एडमिट कराया गया, जहां से उसको चिकित्सालय बलरामपुर में रेफर कर दिया गया। औरैया में होली का त्यौहार आते ही मिलावटी खोए की सप्लाई शुरू हो गई है। बता दें कि होली पर खोए की काफी मांग बढ़ जाती है, जिसको लेकर खाद्य विभाग सतर्क बना हुआ है। मिलावटी खोए को लेकर सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम एक्टिव हो गई। जानकारी के मुताबिक जालौन साइट से एक गाड़ी में मिलावटी खोए को लाया जा रहा था, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम ने से पकड़ लिया और चेक किया तो पता चला कि भारी मात्रा में 30 क्विंटल मिलावटी खोए को कानपुर सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा था। फिलहाल खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खोए का सैंपल चेक करने के लिए भेज दिया है। मिलावटी खोए की गाड़ी काफ़ी दिनों से यहाँ से औरैया बॉर्डर से क्रॉस कर रही थी और त्योहारों के सीजन में इसकी प्रबलता ज़्यादा बढ़ जाती खोए में मिलावट होने की, तो इसकी रेकी करके इसको पकड़ा गया है। खोए में मिलावट होने के संदेह पे नमूने भरवाए जा रहे हैं और सीजर किया जाएगा गाड़ी का। ये खोया कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये कानपुर मंडी में खपने जा रहा है और जालौन से और कुछ और जगह से एकत्रित होकर के औरैया से कुछ लेकर जा रहे हैं। लगभग कितना हो रहा है? ये लगभग दो तीन क्विंटल के आसपास है, 30 क्विंटल के आसपास है। कौन कौन पूरी टीम है हमारी? मौके पर गाड़ी के चालक थे, ये गाड़ी के मालिक भी आ गए और पूरी खाद्य सचल विभाग की टीम ने पकड़ा है ये। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका देवकली से 10 मार्च को पल्सर सवार बदमाशों ने 10 लाख का नोटिस चस्पा करते हुए रंगदारी की मांग की। रंगदारी न देने पर बेटी की हत्या कर देने की धमकी भी दी थी। 11 मार्च को शिक्षिका के पति ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने मामले को दबा दिया था। कार्रवाई न होते देख 12 मार्च को पीड़ितों ने मीडियाकर्मियों से मिलकर जानमाल सुरक्षा की गुहार लगाई तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों का बयान दर्ज करते हुए घर के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए देर रात अज्ञात के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज किए हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, वहीं शिक्षिका का पूरा परिवार सहमा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी भारी मतों से सत्ता में आ गई हो, लेकिन बेरोजगारी अभी भी युवाओं के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। एक युवा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, तमाम डिग्रियां हासिल करता है, लेकिन क्या हो अगर उन डिग्रियों का कोई वजूद ही ना हो? वो डिग्रियां आखिर किस काम की जब युवा को उन डिग्रियों को बलबूते भी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़े। बता दें कि जीत के बाद मैनपुरी के करहल में एक युवक ने नौकरी ना लग पाने के चलते अपने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जलाकर वीडियो वायरल कर दिया है। युवक योगी की सरकार में रोजगार की उम्मीद न होने की बात करता हुआ अपनी मार्कशीट को आग के हवाले करने की बात कह रहा है। वायरल वीडियो करहल विधानसभा निवासी शील रतन का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।